हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज कुंजा ऑफिसियल योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ रामनवमी कब है रामनवमी दो 2023 में कब है 29 मार्च या 30 मार्च को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था पूरे देश में राम नवमी को प्रभु राम के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि पर भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है रामनवमी पर रामायण व राम रक्षा सूत्र का पाठ पढ़ा जाता है इस दिन सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर भगवान राम का जन्म दोपहर के पहर में हुआ था मुहूर्त शास्त्र में दोपहर के अभिजीत मुहूर्त को सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है भगवान श्री राम का जन्म कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त सूर्य बुध गुरु शुक्र और शनि ग्रह के विशेष योग में हुआ था चैत्र नवरात्रि के समापन पर तिथि पर राम नवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है राम नवमी पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा विधि आरती कथा मंत्र और महत्व राम नवमी 2023 शुभ मुहूर्त नवमी तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2023 रात्रि नौ बजकर सात मिनट से राम नवमी तिथि समाप्त 30 मार्च 2023 रात्रि ग्यारह बजकर तीस मिनट पर सुबह ग्यारह बजकर ग्यारह मिनट से एक तक, बजकर चालीस मिनट तक अभिजीत मुहूर्त ग्यारह बजकर सतावन मिनट से बारह बजकर छियालीस मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त चार बजकर उनचास मिनट से पाँच बजकर सैंतीस मिनट तक अमृतकाल शाम आठ बजकर अठारह मिनट से रात दस बजकर पाँच मिनट तक रामनवमी नवमी 2023 शुभ संयोग इस बार रामनवमी पर ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार रामनवमी के पर्व पर एक साथ पांच दुर्लभ संयोग बन रहा है रामनवमी पर अमृत सिद्धि योग गुरु पुष्य योग शुभ योग स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं इसके अलावा रामनवमी गुरुवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये रामनवमी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट